सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। बाकी आपको ये वीडियो में टीम सोल के आज से कुछ अच्छे फाइट आर ए स्पोर्ट्स के और साथ में स्क्रिम्स के भी मैच आपको देखने को मिलने वाले हैं, जहां पे टीम सोल ने बूट कैंप में 9 फिनिशेस निकाला था, ड्रॉ फाइट हुआ था और साथ में रैंगल में 11 या 12 फिनिशेस निकाले थे। एग्रेसिव फाइट आपको देखने को मिलेगा। बाकी मैच में जाने से पहले चैनल पे जो भी नया सब्सक्राइब कर देना, जो हमारा गोल है वो है 58K सब्सक्राइबर का एंड ऑलमोस्ट 250-260 सब्सक्राइबर चाहिए 58K के लिए। सो चैनल पे जो भी नया सब्सक्राइब कर देना, कल तक हो जाना चाहिए 58K सब्सक्राइब। तो बस ठीक है, चलते हैं अब सीधा हम मैच की तरफ। ठीक तो चलिए, फिलहाल सोल की आप इनिशियल फेज के अंदर फाइट होने वाली है और वो फाइट आप मिस करना चाहेंगे नहीं, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर जाइए क्योंकि हमारे साथ सोल इस मुकाबले में जीत चुकी है और सोल को तो कौन देखना नहीं चाहता है। और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ क्योंकि वो सुनहरा घड़ी आ चुका है। यहाँ पे सोल के प्लेयर्स आगे जाने का प्रयास, वो दो एलिमिनेशन पॉइंट सोल के एस पावर के द्वारा निकाल ली जाएगी, वो तीसरा एलिमिनेशन पॉइंट भी और चौथा भी ग्रैब करते जाइए। यहाँ पे गिनते रहिए आईक्यू सोल की यहाँ पे एलिमिनेशन पॉइंट शुरुआत, यहाँ पे बर्चोसो दिखाने के लिए तैयार है और टैक्टिकल के प्लेयर्स के साथ आईक्यू सोल के प्लेयर का नॉक किया गया है। मान्या यहाँ पे डाउन हो चुके हैं और मान्या को एलिमिनेट किया जाएगा। यहाँ पे तीन बेहतर टीमें फाइट लेते हुए नजर आ रही है। यूपी 50 भी अपने आप में भी काफी बढ़िया टीम है। सोल लकुल को यहाँ पे नॉक करने का प्रयास, लेकिन सोल के लिए यहाँ पे हार्ड होने वाला है एज वेल। ब्रो R3X को दिखाओ ना। जी हाँ, क्यों नहीं, आप स्लॉट नंबर बताइए प्लीज, गो अहेड एंड राइट डाउन योर स्लॉट नंबर। हालांकि आप हिसाब से सोल नकुल की बात करेंगे तो मात्र एक फिनिश से यहाँ पे होल्ड करा जा रहा है। एस पावर की बात किया जाए तो टोटल तीन एलिमिनेशन पॉइंट्स ग्रैब करते हुए नजर आएंगे, बट इन्होंने भी यहाँ पे एक रिटेलिएशन लाया है जहाँ पे एक प्लेयर को नॉक जरूर किया है, लेकिन रन ओवर करने का प्रयास या साथ से यहाँ से निकलने की कोशिश, आई डोंट थिंक सो। लेकिन इधर यहाँ पे व्हीकल, आई थिंक यहाँ पे 12 बॉक्स स्टिक कॉप्स के प्लेयर्स जुड़ेंगे आई कंट्रोल के ऊपर स्लैम करेंगे और ये स्लैम कितना ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है वो एक सवाल जरूर रहेगा। चलिए फाइनली वहाँ पे एक प्लेयर को नॉक करेंगे, एलिमिनेट करेंगे सीधे तौर पे। अब आई क्यू सोल के मात्र दो प्लेयर सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ पे ये एलिमिनेट होने वाले हैं, क्या इनकी जो जो काबिलियत है यहाँ पे सबसे नापी जा पाएगी यहाँ पे टीम, और एक बार और नॉक करेंगे। हालांकि नकुल के द्वारा वो नेट जो किया गया है काबिले तारीफ, बढ़िया ट्रैकिंग भी बहुत बढ़िया। ओ माय गॉड, व्हाट अ ट्रैकिंग ट्रैकिंग शॉट। वहां पे एक और कनेक्शन बनता वहां पे बुलेट का तो डेफिनेटली वहां पे टेक डाउन कर दिए जाते हैं, बट एक और नेट सामने। क्या एक नेट करेंगे, जी नकुल का वो नेट गोल्डन है, नेट कनेक्शन में भी आ रहा है। फाइनली ये कनेक्ट हो जाए, साथ से कनेक्ट हुआ है लेकिन उतना ज्यादा नहीं, लेकिन एक और नेड आएगा रेज के ऊपर और फिलहाल एक काउंटर नेड भी किया जा रहा है, लेकिन दोनों प्लेयर्स सामने से ही खेलने का प्रयास। एक और काउंटर नेट आएगा, दो काउंटर नेड, तीसरा काउंटर नेड। ओ माय गॉड, काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे अंडरडॉग्स भी खेलते हुए नजर आ रही है, वो लोग पूरी तरह से टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पे आई क्यू सोल के एक प्लेयर को एलिमिनेट किया गया है के अंदर ही, लेकिन रिफ्लेक्शन कितने तगड़े रहते हैं। ओ माय गॉड, नकुल के ये घूम के सीधे नॉक दे देते हैं नकुल एंड एस पावर, दोनों के दोनों प्लेयर क्लोज रेंज के बाप हैं और फिलहाल उस आखिरी प्लेयर को भी एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे। जंप करेंगे जैसे ही एस पावर के ट्रैकिंग के अंदर आएंगे और एस पावर वहां पे कूदते हुए प्लेयर को भी ट्रैक करके एलिमिनेट करेंगे। 50 के प्लेयर्स को एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे, स्टिल 11 टीम्स यहाँ पे सर्वाइव करती हुई नजर आ रही है जो कि काबिले तारीफ है। फिलहाल एक और नेट करने का प्रयास करेंगे, क्या ये नेट का कनेक्शन होने वाला है, और साथ जी हाँ एक गोल्डन है नेट आएगा वहां पे और फिलहाल कनेक्शन तो वहां पे उतना ज्यादा बढ़िया नहीं बना है, लेकिन चलिए फाइनली वहां पे नॉक करेंगे और यहाँ पे 11 फिनिशेस। क्या वहां पे डायरेक्टली स्लैम करने वाले हैं, नेट तो इनके द्वारा लगातार करी जा रही है। एज भी यहाँ पे सर्वाइव करना इनके लिए थोड़ा हार्ड एज वेल जरूर हो सकता है, यहाँ से निकलना भी बेहतर होगा। नकुल को यहाँ पे नॉक करने का प्रयास, राइट हैंड साइड के एरिया की तरफ से कवर फायर इनिशिएट जरूर हुआ था, नकुल को यहाँ पे निकलना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा लो है। नकुल को यहाँ पे डाउन किया जाएगा एंड एज पावर इकलौते प्लेयर अब सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से, वो टोटल 11 एलिमिनेशन पॉइंट आईक्यू सोल के द्वारा निकाली जा चुकी है। अब यहाँ पे लगातार नीड्स आएंगे, इकलौते प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं फिर भी इनके ऊपर डर लगातार शॉट और यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक करेंगे, क्रिमिनल को यहाँ पे डाउन किया है। क्या वहाँ पे डायरेक्टली स्लैम करने की प्रयास, लेकिन वो नीड्स Oh my god, what a needs by
सो हे गाइस, व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, हमारा मुकाबला जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये जो हमारा मुकाबला रहने सैनॉक का और फ्लाइट पाथ हमारे सामने आके जा चुका है। आई क्यू सॉरी, आप सात प्लेयर्स को फिनिश भी कर चुके हैं और कुछ और प्लेयर्स को भी फिनिश करने की प्रयास ये जरूर करेंगे। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि बूट कैंप के अंदर उतने ज़्यादा टीमें आई हुई हैं, और फिलहाल यहाँ पे सात से मात्र अब इकलौती टीम सर्वाइव करती हुई नजर आएंगी। फिलहाल यहाँ पे सात से शॉट लेने का प्रयास, यहाँ पे रॉनी की बात करेंगे तो रॉनी को भी काफी ज्यादा लो करा जाएगा। आई थिंक रॉनी को भी एलिमिनेट करने की कोशिश एज वेल करेंगे, जरूर देखेंगे यहाँ पे रॉनी को एलिमिनेट करना के नहीं, वो एक सवाल जरूर रहेगा, लेकिन वो कोशिश लगातार करी जा रही है इनके प्लेयर्स के द्वारा। रॉनी यहाँ पे सबसे एक चौथे प्लेयर है जो कि सबसे ज्यादा फिनिशेस यहाँ पे ग्रैब करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल एक और नेट करने का प्रयास करा जाएगा, क्या वो नेट का कनेक्शन होने वाला है? सबसे ऊपर जाके वहां पे प्लेयर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश एज वेल करी जाएगी, देखेंगे वो आप एलिमिनेट कर पाएंगे नहीं। आई थिंक यहाँ पे टोटल 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स आईक्यू जोन के द्वारा निकाली जा चुकी है। अभी यहाँ पे मात्र 2 ही प्लेयर सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या एक और शॉट इनिशिएट करेंगे? हालांकि एक रिटेलिएशन कवर फायर नन ई स्पोर्ट्स के द्वारा, हालांकि लेकिन यहाँ पे साथ से आईक्यू भी है जो कि घुस चुके हैं। आईक्यू सोल के प्लेयर्स भी यहाँ पे जाएंगे अंदर, एंड 2 टीमें एज वेल रहने वाली जरूर है, वो नेट करने का प्रयास करेंगे, नेट का कनेक्शन बनेगा और इसी के साथ एक और प्लेयर को नॉक करेंगे। और आई थिंक यहाँ पे RTR के प्लेयर्स भी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। नॉन स्पोर्ट्स दे आर इन अ बिग ट्रबल राइट नाउ, क्योंकि उनके भी प्लेयर्स को यहाँ पे एलिमिनेट करी जा रही है इनके द्वारा। तो फिलहाल यहाँ पे सोल रॉनी फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड के एरियाज के तरफ, या 7 से 9 स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश सारी के सारी टीम। यहाँ पे 2 प्लेयर्स एक साथ में आते हुए नजर आएंगे, वो भी शॉट निकाली जाएगी, 2 प्लेयर्स को डाउन करने का प्रयास, 1 प्लेयर को नॉक करेंगे और कवर फायर भी आएगा यहाँ पे। सोल रॉनी जो रहेंगे, आईक्यू सोल रॉनी 6 फिनिशेस निकाल चुके हैं एंड टोटल वो 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स शॉटगन निकाल लिया है इन्होंने, और इनका साथ से लोकेशन जो है स्पॉट है, और नकुल को यहाँ पे सीधे तौर पे नॉक करेंगे और एलिमिनेट भी। रॉनी इकलौते प्लेयर, पहला नॉक आएगा इनके द्वारा पिक करके, दूसरा नॉक भी आने की कोशिश क्योंकि कवर फायर दिया जा रहा है यहाँ पे लगातार। क्या एक 1v4 आने वाला है रॉनी के द्वारा, बैक टू बैक नॉक कर दिया है, आसान ही है। नॉक वाले प्लेयर को एलिमिनेट करेंगे, पीछे हटने की कोशिश वो नेड करने के लिए, हालांकि एक नेड ही आएगा रिटाली। देखिए सेमीफाइनल्स के लिए भी काफी अच्छा मौका है यहाँ पर जीतने का, बट अभी रॉनी के ऊपर वो प्रेशर, लेकिन इवेंट कॉल आए जरूर थे लेकिन सरप्राइज अटैक नहीं कर पाए रॉनी ने, यहाँ पर रॉम दिया है जिसपे रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते तो है, और शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, लेकिन अब सर्कल के अंदर एक अच्छा खासा क्लासिक क्लस्टर देखने को मिल रहा है। सेंट्रल ओरिएंटेड टीम्स नजर आ रही है, सारी की सारी टीम सेंटर की तरफ जाना पसंद कर रही है, लेकिन अभी भी काफी सारी टीम बाहर है, और ये गॉड्सरेन का हमें एक अच्छा खासा ओजी रोटेशन देखने को मिल रहा है। टीम आईक्यू सोल भी फाइट बैक करती हुई, एंड दिस टाइम इट्स गोना बी ग्लोबल ईस्पोर्ट्स हु आर अबाउट टू गेट शट डाउन। 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं, रॉनी का रिवाइवल जरूरी है, मानिया अपने को हील कर चुके हैं। 20 सामने की तरफ,
एक तरफ है एस पावर, दूसरी तरफ है बीस्ट। ये फाइट अमेजिंग, बीस्ट के पास एचपी नहीं है और अभी के लिए बीस्ट को डाउन कर दिया जाएगा, बट टीम की ये फाइट बहुत ज्यादा कीमती। और वहीं पे टीम आईकू सोल, क्या ये गलत रोटेशन है? जेनेसिस के रे को डाउन किया बट वहां पे और भी खिलाड़ी होंगे, रे को राइट में कंफर्म कर दिया गया है, मान्या लो एचपी पे है। और फ्रैग्स आते हुए जा रहे, गॉड लॉर्ड को डाउन करेंगे। जेनेसिस की पोजीशन देखिए, फ्रैग्स उठा रहे हैं, जरूरत थी और अपनी टीम के लिए बहुत सारे फ्रैग्स। बाकी आपको टीम सोल के हाथ से कुछ अच्छे फाइट स्क्रिम्स के कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना। बाकी अगर आपने टीम सोल का कल के स्क्रिम्स के एग्रेसिव फाइट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जहां पे कल भी ड्रॉप फाइट हुआ था अपार्टमेंट में, स्कूल अपार्टमेंट में, और कुछ अच्छे फाइट, तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो एंड जाके देख सकते हो कल के स्क्रिम्स के मैच। तो बस ये था आज का वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सोल के अपडेट एंड तोड़फोड़ के साथ। तब तक ले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग। Bye.